कवर में रहो। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आ चुके अपने कोर न्यू वीडियो के साथ वापस। और आप लोग को तो पता है तुम्हारे भाई का चल रहा है भाई रैंक पुश, वो भी डुओ में। तो बहुत जल्द कॉन्करर हो ही जाएगा, टेंशन की बात नहीं। तुम्हारा भाई कॉन्कर करके रहेगा, लेकिन इसलिए डेली वीडियो डालता हूँ क्योंकि उस टाइम चाहिए, वीच चाहिए, इसलिए समझ रहे। कौन करता हूँ भाई, ईजी है, एकदम ईजी लगा दूंगा अगर पिंक सही आए तो। ठीक है, तो देखो आज का मैच ऐसा है कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि देखो हर बार ना कोई भी कभी ना कभी आप लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा दिन आता है जिस दिन भाई के मतलब के पूरा मूड ऑफ हो जाता है भाई मैच खेल खेल के, क्योंकि माइनस से माइनस माइनस पे माइनस लगता रहता है। तो वही दिन था हमारे लिए कि आज हमारा पूरा मूड ऑफ होने वाला था। ठीक है, यहाँ पर हमारे को गाड़ी लगती, गाड़ी मेरे टीममेट को भी लग गई, तो हम लोग दोनों जाते रहते कहाँ पे, सीधा रिकॉर्ड लेने के लिए। और यहाँ पे हमारे हाथ में गन्नी था, और ये बंदा भाई ये क्या उड़ा रहा भाई, अभी नया स्केटिंग बोर्ड आया तो इसको भी पूरा मारने की ट्राई करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि भाई आज इतना खराब दिन था ना भाई, कुछ कह नहीं सकता यार। मतलब कि कहीं भी किसी भी मतलब बंदे के हाथ से हम लोग की भाई पिटाई हो ही रही थी, लेकिन कर भी क्या सकते हैं यार हम लोग। मतलब कि यार दिन ही खराब था आज, होता है यार आप लोग के साथ भी होता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना फटाफट से। देखो इस बंदे के हम लोग ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मारेंगे ट्राई करते, लेकिन ये बंदा बार बार बच जाता उसके चक्कर में, तो हम लोग इधर थोड़ा बहुत डैमेज वेमेज खा गए यार, लेकिन बंदा नहीं मारा समझ रहे हो। और यहाँ पे पूरी भसड़ वसड़ हो रही थी गाड़ियों के चक्कर में, अगर हमारे हाथ में गन लग जाता ना भाई तो भाई यहाँ पे तो किल ही किल थी समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो मैं भी डैमेज खा गया, मेरा टीममेट भी डैमेज खा गया उधर, लेकिन हम लोग यहाँ पे बच बचा के कैसे ना कैसे करके गाड़ी को अपने उड़ाते हुए सीधा हम लोग रिकॉल पे आ जाते। लेकिन बंदे लोग इतने सारे रिकॉल पे आ रहे थे, मतलब कि यार बंदे लोग की भसड़ बहुत ज़्यादा थी। तो मैं मेरा टीममेट यहाँ पे टेम्पल पे आ जाते और यहाँ पे रिकॉल विकॉल भी मिल जाता, और ये थोड़ा सा गिरिच उलिच के बाद हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले गन वन लेंगे और हीलिंग लेंगे पहले, क्योंकि भाई हील करना, अरे हीलिंग तो मिल गई तुरंत, वो भी दो दो फर्स्ट एड। तो यहाँ पे फटाफट से फर्स्ट एड वर्स्ट एड मारा जाएगा और बंदे बंदों को भी थोड़ी सी पिटाई किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी मैंने एक गलती कर दी थी। ठीक है, यहाँ पीछे की तरफ से दो बंदे आ जाते हैं जिसको मैं और मेरे टीममेट मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन इनके हाथ में ऑलरेडी गन थी। ठीक है, तो ये लोग क्योंकि बाहर की तरफ भी गन वन मिलते तो गन लेके आ जाते ये लोग, तो मैं ऊपर की तरफ चल जाता हूँ थोड़े बहुत एंगल वेंगल बनाने के लिए। मैं डैमेज वेमेज भी देता हूँ इनको, थोड़ा सा डैमेज देता हूँ। अब इनको डैमेज देने के बाद ये दो दो बंदे थे और सामने की तरफ से बंदे लोग का पुश पुश आ गया, तो मैंने देखा नेड करता हूँ, लेकिन लेफ्ट की तरफ से एक और बंदे का पुश आ गया था। देखो अब उसको भी थोड़ा मारने की ट्राई करेंगे, लेकिन इनमें से एक जो बंदा था वो अंधा हमारे ऊपर पुश कर दिया था। अब देखो उसके साथ क्या सीन होता है। यहाँ पे मैं रिलोड करता, मेरे टीममेट बोलता है एक बंदा आपके ऊपर चढ़ गया, तो देखो अब फटाफट से इसको चढ़ाता हूँ, इसको फटाफट से लोबी भेजूंगा क्योंकि कोई किल ना चुरा ले। और इसको मारने के बाद इसकी पेटी से यूएमपी वूएमपी लूट लेता हूँ, और जो बंदा सामने की तरफ रहता है वो ऊपर की तरफ आ जाता, मतलब कि वो जो मतलब वो गिरता उड़ता है ना उसको लूटने के लिए, मतलब उस पर चढ़ते हैं तो वो गिरने वरने लग गया था माल पानी, तो उसको लूटने के लिए वो ऊपर की तरफ आता है। और यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा ये बोट भाई साहब, अबे देखे एक बुलेट नहीं मारने के भाई मेरा पूरा किल चला गया। अब ये सामने तरफ बंद रहता है, डैमेज खा गया। ठीक है, मेरे पास एक नेट रहता है, मैंने देखा यार एक नेट डालता हूँ और इसको बूम कर देता हूँ। भाई ये डैमेज खाने के बाद भी तुम्हारा भाई ने उसको नेट से नहीं मार पाया भाई, इससे ज़्यादा हग्गू प्लेयर आपने कहीं नहीं देखा होगा। अब वो बंदा नेट से मरा नहीं, वो किसी और का नेट आता वो बूम हो जाता, देखो किसी और के नेट से नोकता और मैं यहाँ पे किल चुरा लिया, जिसकी सजा अब हमारे को जरूर मिलेगी। यहाँ पे हील विल करता हूँ, मैं इस साइड में आता हूँ जब तक मेरा टीममेट बोलता है भाई उसको मैं टन टन दिया हूँ भाई डैमेज किया, मैंने कहा रुको भाई अपन भी पिक करके उसको थोड़ा सा डैमेज करते हैं। और मैंने ये बात बोल गई थी कि भाई मेरे सर पे हेलमेट है ही नहीं, ठीक है सिर्फ वेस्ट, अगर उसकी एक बुलेट भी हेलमेट पड़ी ना तो भाई सीधा नॉक हो सकता हूँ मैं। और देख सकते हैं यहाँ पे भाई मतलब बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ मेरा वेस्ट, हेलमेट डैमेज और मैं नॉक हो गया। जब तक मेरा टीममेट यहाँ पे आता है रिवाइव करता है, लेकिन इसका दूसरा टीममेट भाई एमजी लेके हमारे पास पुश कर देता है। मेरे टीममेट के भी सर पे देख सकते हैं हेलमेट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग हो जाते हैं नॉक एंड फिनिश। तो भाई ये वाला पहला मैच जो हमारा था ना ये बहुत ख़राब गया था, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिकॉल विकॉल होकर आते हैं और बग्गी लेते सीधा जोन की तरफ जाने लग जाते हैं। तो मेरे टीममेट यहाँ पे दो बंदों का डैमेज वेमेज करता रहता, तब देखो अपन भी थोड़ा सा यहाँ पे किल विल निकालने की ट्राई करते हैं। मैंने भी अच्छा खासा डैमेज किया, लेकिन इनमें से एक ही बंदे को मार पाता हूँ मैं, और जो मतलब इस टीम का जो ड्राइवर था वो इधर से गाड़ी लेके भाग गया था। उसके बाद हम लोग इधर से भी गाड़ी लेते हैं और उसका किल विल कन्फर्म करने के बाद इस साइड में आता हूँ और इधर वेयर हाउस में गाड़ी लगा देता हूँ। और यहाँ पे देखो मतलब कि क्या ही गलती गिना सकते अपने टीममेट का या मेरी, भाई गलती तो गलती होती चाहे कोई भी करो। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा पीछे की तरफ मैं देखता रहता, मेरा टीममेट आगे की तरफ दिखता रहता क्योंकि आगे ही बंदे थे, और पीछे की तरफ से ये देखो लेम्बो भाई उड़ती हुई आई। अब देखो इनको बजाने की ट्राई करेंगे, इनके पास ग्रोजर हो जाती। तो यहाँ पे मेरा टीममेट एक को नॉक करता और दूसरे वाले को मैं खत्म कर देता हूँ। अब इनको खत्म करने के बाद मैं जाता हूँ इनकी पेटियाँ वेटियाँ लूट उठ के मैं आ जाता हूँ चुपचाप से, लेकिन मेरा टीममेट जब जाता है ना लूटने के लिए भाई वो उधर नॉक खा जाता है। मैं तो वहाँ पे चुपचाप से बिना स्मोक के लूट करके आ गया, मेरा टीममेट भी वहाँ पे बिना स्मोक करके आता है, लेकिन वो गाड़ी फूटने की वजह से वहाँ पे मेरा टीममेट नॉक खा जाता है। अब नोक खाने के बाद मेरे पास यहाँ पे चार चार स्मोक करता है, मैं देखता रुको यार चारों स्मोक करता। अगर मैं ये चाहता ना कि अपने टीममेट को यहाँ पे लेकर आ जाता यहाँ पे स्मोक होल बना के तो ये सही रहता,
लेकिन मैंने सोचा यार वहीं पे जाके रिवाइव कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे सीधा आता अपने टीममेट को रिवाइव करने के लिए। और यहाँ पे मेरे को रिवाइव करना बिल्कुल भी सही नहीं था, ठीक है, करना भी नहीं चाहिए था अपन को, यहाँ पे अपने टीममेट को लेके अंदर की तरफ चल जाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे भाई यहीं पे रिवाइव करने लग जाता। उसके बाद बंदे ऊपर हिल के ऊपर रुक जाते और मोली कर देता जिसके में मैं जल जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरा टीममेट भी रिवाइव हुआ था, लेकिन क्या ही कर सकते रिवाइव होने के बाद भी। अब यहाँ पे मैं जैसे ही बाहर आता हूँ यहाँ पे एमजी वाले निपटाता भाई, मोली से तो वैसे भी चल रहा था मैं, तो ये मेज तो हो गया था खराब भाई, इसको भी कोई दूसरा बंदा नोक कर देता, क्योंकि भाई यहाँ पे थर्ड पार्टी तो भाई एनी टाइम होता ही रहता भाई, रिंग पुश में कोई भी कहीं से भी टिपका देता है। उसके मतलब भाई भाई में गया दूसरा मैच लगा दे, दूसरा मैच लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे गाड़ी वाड़ी लेके वापस अपने टेम्पल पे आते हैं रिकॉल लेने के लिए। अब रिकॉल लेने के बाद यहाँ पे कोई बंदे बंदे आए नहीं तो फटाफट से इधर लूट वूट कर लेता हूँ। और लूट वूट करने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता तभी कूप वाले बंदे आए थे, और ये पीछे वाले घर है ना जो इधर सीमेंट्री उमेंट्री इस साइड में आके वो रुक जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट में एक बोट भाई साहब जिसको मैं मारता नहीं हूँ, उसके ऊपर देखो नेट जाएगा अभी, और वो हो गया भाई बूम। अब वो बोट को मारने के बाद वो हमारे ऊपर कर देता पुश, उसको पता नहीं था कि भाई मैं यहीं पर हूँ। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा भाई इन दोनों कैसे 1v2 देता, पहला तो नोक यहाँ से निकालता हूँ। अब यहाँ पे नोक करने के बाद इसका दूसरा टीममेट लेफ्ट की तरफ साथ, अब इससे थोड़ी सी लंबी फाइट होती है। और यहाँ पे लकीली उसके सर पे हेलमेट नहीं था, और हेलमेट पे मतलब सर पे पड़ जाते और बंदा हो जाता है नोक। उसके बाद इसके फिनिश करने के बाद हम लोग इधर से गाड़ी वाड़ी लेते हैं और रोजा रोजा मिलता है इसके ड्रॉप में, तो लेके हम लोग इस साइड में आते हैं ब्रिज कैंप करने। लेकिन हमारे को क्या पता था यहाँ पे ऑलरेडी ब्रिज कैंप है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई पीछे के साइड में कट लेते हैं। मैं देखता यार पीछे की तरफ से मार वार देंगे यहाँ पे अपन थोड़ा सा सीढ़ियों के नीचे, और मेरे टीममेट वहीं पे रहता जब तक वो बंदे लोग पुश कर देते, और उनके हाथ में होते DBS, और इनको पता था भाई हमारी लोकेशन। पहला बंदा मेरे टीममेट के ऊपर चढ़ जाता है, मेरे को यहाँ पे लगा था कि यार मेरे को जाना चाहिए था बचाने, लेकिन मैं जाता नहीं। उसका दूसरा टीममेट सीधा मेरे ऊपर चढ़ता है, अब देखो मेरे को कैसे बजाता है। और यहाँ पे भाई मेरे को भाई नो कैन फिनिश हो गया। फिनिश होने के बाद रिकॉल होने के बाद हम लोग आते हैं ब्रिज की तरफ से चुपचाप से पीछे की तरफ आके कैंप करने लग जाते हैं, क्योंकि ये लोग बंदे लोग आगे की तरफ रुके रहते हैं। और यहाँ से गाड़ी वाड़ी आ रही थी, मैंने देखा चलो भाई मारते हैं, लेकिन वो भी बंदे उधर ही रुक गए थे और उनकी थोड़ी सी फाइट वाइट होने लग गई थी। तो हम लोग क्या करते हैं भाई इस साइड में रुके रहते हैं, मैंने देखा चलो भाई थोड़ा सा अपन समय देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि बंदे बंदे आने का टाइम देंगे, उसके बाद उनको भी निपटाएंगे। लेकिन ये हमारी थी सबसे बड़ी भूल, हम मतलब सबसे बड़ी भूल थी और हमारी सबसे बड़ी गलती थी, जिसके कारण हमारी भाई यहाँ पे बहुत गंदी पिटाई होने वाली है। अब यहाँ पे एक बंदर था जो पीछे की तरफ से पुश कर देता है, और वो बंदर सबसे पहले मेरे टीममेट को नॉक किया, उसके बाद मेरे को खत्म कर दिया। भाई ये मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ सा लगा भाई, एक ही बार में एक ही स्प्रिम दोनों को लेके चले, उसको हमारी लोकेशन पता थी। उसके बाद यहाँ पे तीसरा मैच हम लगाते हैं, तो चलो भाई अब तीसरा मैच है ये आज का भाई, ये तो सही चल जाए भाई, तभी जाके आज का मैच मतलब थोड़ा सा अच्छा चल जाए, तो भाई अपना मतलब कि माइनस वाइनस ना लगे, अपना दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे तीसरा मैच लगाते हैं, हम देखते हैं आराम से खेलेंगे। हम लोग यहाँ पे टेम्पल पे आते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पे दो बंदे पहले से आ चुके थे, और इस टेम्पल पे पहली बार ऐसी हुई कि यार हमारे को गन लगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर की तरफ आता हूँ, एक भी गन नहीं, देखो हेलमेट वेलमेट होता वेस्ट वेस्ट मिल गया, लेकिन गन यहाँ पे एक भी नहीं है। अब ये बंदे लोग हमारे पे पुश करते हैं, मेरा टीममेट इधर से कल्टी मार लेता है, और मैं भी थोड़ा सा कल्टी मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पेन पड़ा रहता है। तो उसके बाद फिर क्या था भाई, यहाँ पे मैं डैमेज खा लेता हूँ थोड़ा सा। अब डैमेज खाने के बाद मैं राइट में मुड़ जाता हूँ, और यहाँ पे अगर मेरे पास जंपिंग जब आग जैसे तो कुछ भी मैं देखने की ट्राई नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ आनंद भाई इसको पेन से निपटाता हूँ, जब तक क्या ही कर सकते भाई पेन से। गन मनते नहीं तो यहाँ पे नोक खा गया, ये वाला मैच ही मुझे लग रहा था भाई बहुत ज़्यादा खराब हो गया, तभी मेरे टीममेट को भी थोड़ी देर के बाद निपटाई देते हैं। निपटाने के बाद हम लोग सीधा यहाँ पे सवरनी कूदते हैं, और यहाँ पे उन मेरे टीममेट को भी उस टाइम पे गन नहीं लगी थी, ये भी बात ध्यान रखना यार, क्या ही सीन होता है जब भाई तुम्हारा किस्मत खराब होना तो भाई गेम भी साथ नहीं देते। उसके बाद यहाँ पे आते हम थोड़े बहुत लूट वूट करते, लूट वूट करने के बाद आगे की तरफ बढ़ता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे भी भाई एक बोट आ जाता है जिसको मारने के चक्कर में हमारे यहाँ पे पेटी वेटी बनने वाली, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा वो दिमाग खराब होता तो भाई हाथ हाथ भी नहीं चलता। देखो यहाँ पे तुम्हारे भाई ने पहली बार फायर बटन पे हाथ नहीं दबा था, क्रॉच हो गया था। उसके बाद मैं अंदर के बाहर की तरफ जाता मतलब कि, और इस बोट को मैं मार देता हूँ क्योंकि उस बोट को मेरे टीममेट ने मार दिया था। अब यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, मैं लूटने नहीं जाता, मेरा टीममेट यहाँ पे लूटने जाता, तभी यहाँ पे एक बंदा रिकॉल होकर आता जो मेरे टीममेट को सीधा नोक एंड फिनिश कर देता है। अब यहाँ पे नोक किया और उसके बाद फिनिश कर देता, फिनिश करने के बाद इससे मैं फाइट लेने की ट्राई करता हूँ, और ये बंदा अंदर की तरफ रहता है, मैं इसके ऊपर नेट करता हूँ, लेकिन तभी पीछे की तरफ से पीपी बाइसन वाला बंदा इस बंदे को नोक कर देता। नोक करने के बाद मतलब चलो भाई अब इसका थोड़ा सा किल चुरा लिया जाए अपन। अब अंदर की तरफ चला गया था, एक ही नेट था, मैं यहाँ पे कुक करता हूँ और सीधा उसके मुँह पे डालेंगे और उसको कर देंगे बूम। और यहाँ पूरा मेरा हाथ एकदम कांप रहा था यार, क्योंकि भाई जब माइनस लगते ना तो भाई ऐसा ही सीन होता है। इसको मारने के बाद इधर मैं थोड़ी देर तक होल्ड करता रहता हूँ क्योंकि वो बंदे आएंगे पुश करेंगे, तो ये बंदे राइट से आते लेम्बो लेके, और यहाँ पे भाई मैं खिड़की से अंदर नहीं जा पा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे भाई इसी फायर बटन दबा रहा था, मतलब भाई अंदर चल जाए। अंदर जाते जाते मैं यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज खा लिया, डैमेज खाने के बाद वो दोनों बंदे एक साथ पुश कर रहे थे, और कभी भी भाई मेरे से ना लेफ्ट से फाइट लिए जाते नहीं है जब तक वो बंदे हमारे ऊपर पुश करते हैं। अब देखो हमारे साथ क्या सीन होता है भाई, ये दोनों बंदे एक साथ ही रहते हैं। अब यहाँ पे निपटाई देते यार भाई, कुछ भी नहीं कर पाया मैं, बस जिगल देता ही देता रहेगा।
तो भाई आज का मैच ऐसा ही था कि भाई पूरा मूड खराब हो गया था। अब क्या ही कह सकता हूँ यार मैं, मतलब कि बिल्कुल भी मतलब माइनस तो नहीं लगा, जीरो माइनस लगा, चलो इससे तो थोड़ी सी बचत हुई। लेकिन कल का मैच अच्छा लाएंगे अपन, ट्राई करेंगे भाई हार्डली मैच बनाने का, एकदम खतरनाक वाला चिकन डिनर लाने का। तो आप लोग बताना कैसा लगा आज का गेम प्ले, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसे कमेंट कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारा तो मूड खराब नहीं हुआ है, हमारा तो मतलब मूड खराब हो गया, आप लोग अपना मूड खराब मत करो, बने रहो हमारे साथ रेहान अली वाईटी के चैनल पे, और देखते रहो हमारी वीडियो, और डेली शाम 7 बजे वीडियो आती है तो उसको मतलब देख लिया करो यार, ठीक है। तो मिलते कल शाम 7 बजे एक और न्यू गेम प्ले के साथ, तब तक लिए अपना ध्यान रखो, लव यू, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट एंड बाय। इधर आ, हाँ जरा चैनल को सब्सक्राइब करके जा।